আত্মিক ভাবে কাজে লাগাতে পারবে তা ক্লাউড সিডিং এবং অ্যাক্টিভিটিস যে থাকে সাপোর্ট করার জন্য কিন্তু চিন্তা ভাবনা করছে তো স্বাগতম সবাইকে বিচরেকশনে আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দেখব সেই ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে মেড ইন ইন্ডিয়া হিন্দুস্তান 228 সিভিলিয়ান এয়ারক্রাফট বাই হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড গেটস DGCA অ্যাপ্রুভাল অ্যাকচুয়ালি এই টাইটেল পড়ে অনেক কিছু বুঝেছি আবার অনেক কিছু বুঝিনি কারণ এখানে যেমন DGCA এর মিনিং আসলে আমরা জানি না যে এটা আসলে কোন সংস্থা নিশ্চয়ই তাদের কোনো সরকারি সংস্থা যেটার অ্যাপ্রুভাল তাদের প্রয়োজন হয় এয়ারক্রাফট তৈরি করার জন্য সেরকম কোন কিছু একটা হবে অবশ্যই যেমন আমাদের একমেতে অ্যাপ্রুভাল হয় না তো সেরকম অ্যাপ্রুভালের প্রয়োজন আছে গভর্নমেন্ট যেসব প্রজেক্ট তৈরি করে বা প্রজেক্ট ভবিষ্যতের জন্য করে সেগুলা তো যাই হোক এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল স্টাডি আইকিউ এডুকেশন আর ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে তো চলুন আমরা ভিডিওটি দেখে আসি Aeronautics Limited के द्वारा पहली बार सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है मेड इन इंडिया यहां पर आप देख सकते हो कि एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया गया है HAL के द्वारा कैरीज आउट ग्राउंड रन एंड लो स्पीड टैक्सी ट्रायल तो जो ट्रायल वगैरह है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट खबर यहां पर सामने आई है तो इस पूरे वीडियो में अंदर हम जानेंगे कि HAL के द्वारा ये कौन सा एयरक्राफ्ट है जो कि बनाया जा रहा है ये किस प्रकार से भारत को मदद कर सकता है क्यों आखिरकार हम इसको यहां पर बना रहे हैं तो काफी कुछ जानने को है चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगी वहां पर आप जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं studyiq.com पर भी जा सकते हैं दाम पर सारी कोर्सेज आपको उपलब्ध करा देंगे चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं देखिए HAL की अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तो ये बहुत लंबे समय से तो जो इंडियन एयरफोर्स के लिए पिछले 60 वर्षों से इंडियन एयरफोर्स के लिए लगातार अलग अलग प्रकार की जो एयरक्राफ्ट है वो बनाते आ रहे हैं आप कई सारे देख सकते हो हिंदुस्तान ट्रेनर 2 एयरक्राफ्ट हो गया इसके अलावा प्रोपल्सन ट्रेनर 32 एयरक्राफ्ट हो गया और रिसेंटली आपको पता होगा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस उसको भी बनाया गया तेजस, है लेकिन आज तक क्या हुआ इंडियन एविएशन के द्वारा जो सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो नहीं बनाया गया था लेकिन 15 अगस्त को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सक्सेसफुल ग्राउंड रन ट्रायल किया गया है लो स्पीड टैक्सी ट्रायल किया गया है हिंदुस्तान 228 तो ये ध्यान रखिएगा अपना कि जो हम एयरक्राफ्ट बना रहे हैं इसका नाम है हिंदुस्तान 228 यहाँ पर ये जो ट्रायल किया गया है इसकी वजह से क्या होगा कि जो DGCA है डायरेक्टर जनरल ऑफ कंट्रोलर एंड एयरक्राफ्ट मैंने CAG के साथ DGCA बेसिकली है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ठीक है सिविल एविएशन क्या है कि जो अलग अलग सर्टिफिकेट वगैरह है वो प्रोवाइड करती है तो यहाँ पर हिंदुस्तान 228 को एक ट्रायल कंडक्ट करना था तो उन्होंने ये ग्राउंड रन एंड लो स्पीड ट्रायल कंडक्ट किया जिसकी वजह से उनको DGCA के द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया गया है टाइप सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन आप देख सकते हो ये जो हम एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं कुछ इस प्रकार का आपको देखने वाला मिलने वाला है तो बहुत ही छोटा एयरक्राफ्ट है 19 सीटर आप कह सकते हो हिंदुस्तान 228 या फिर इसको डोनियर 228 एयरक्राफ्ट भी कहते हैं मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा कि इसको डोनियर 228 क्यों कहते हैं लेकिन ये काफी मेजर अटेम्प्ट है पहली बार हमारे देश के द्वारा छोटा जो सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको बनाने का अगर आप देखोगे तो पहले भी हमने यहाँ पर कोशिश की थी जैसे 14 सीटर सारस एयरक्राफ्ट था लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए एक एयरक्राफ्ट क्रैश भी हो गया था 2009 में तो उसके बाद से यहाँ पर इसको ये जो पूरा प्रोग्राम था सारस एयरक्राफ्ट वाला उसको कैंसिल कर दिया गया ऑल्दो यहाँ पर बात तो चल रही है कि शायद इसको वापस से रिवाइव किया जा रहा है इसके ऊपर काम चल रहा है लेकिन ये 2009 में जो है 2009 में इसको कैंसिल कर दिया गया था तो बेसिकली अब क्या होगा कि ये वाला जो टाइप सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है DGCA के द्वारा ये सक्सेसफुल ट्रायल के बाद अब यहाँ पर HAL क्या करेगी जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लेना होता है एयरक्राफ्ट से वो यहाँ पर लेगी और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है हिंदुस्तान 228 इसमें यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है US फेडरल एविएशन अथॉरिटी के द्वारा जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं उसके अंदर ताकि अप्रूवल मिल जाए वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी अब यहाँ पर हम आते हैं कि ये HAL क्यों कर रहा है बिल्ड इसको मतलब कि क्या ज़रूरत है हमें इसे बिल्ड करने के लिए आपको पता होगा हमारे देश के अंदर एक काफ़ी बड़ी स्कीम लाई गई है सरकार के द्वारा जिसका नाम है उड़ान स्कीम उड़े देश का आम नागरिक तो उड़े देश का आम नागरिक में बेसिकली क्या किया जा रहा है छोटे छोटे शहरों को टाउन्स को यहाँ पर एयरक्राफ्ट के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है मतलब कम समय में लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकें ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है और इसी की वजह से इस तरह के जो एयरक्राफ्ट हैं
वो काफ़ी बड़ा मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप सोच के देखो अगर कम लोग होंगे और यहाँ से एक जगह से अगर आधी घंटे का डिस्टेंस है तो क्या कोई भी प्राइवेट एयरक्राफ्ट जो ऑपरेटर है वो चलाएगा? नहीं चलाएगा। लेकिन अगर इस तरह के सस्ते एयरक्राफ्ट मिलेंगे और बहुत कम यहाँ पर फ्यूल कंजम्पशन करेंगे तो इस तरह के एयरक्राफ्ट चलाए जा सकते हैं। रिसेंटली भी अगर आप देखोगे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको पता होगा रिसेंटली इनको सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया था, उनका ये बयान आया था कि सरकार यहाँ पर कोशिश कर रही है कि 1000 नए एयरक्राफ्ट जो रूट्स हैं वो यहाँ पर एयर रूट जो है वो आपके लाए जाएंगे और 100 नए एयरपोर्ट्स भी बनाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्लानिंग चल रहा है। तो एयरपोर्ट बना और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है इसका दो जो डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट है उसको ऑलरेडी बिल्ड कर दिया गया और इसको नॉर्थ ईस्ट और उत्तर प्रदेश के अंदर डिप्लॉय भी किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट है ये इंट्रा और इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी बड़ा फायदेमंद हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको मैंने आपको बताया ना डॉर्नियर 228 क्यों बोलते हैं इसको। तो ये जो हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट की जो हम बात कर रहे हैं जो ये बनाया जा रहा है भारत के लिए, ये बेसिकली एग्जिस्टिंग फ्रेम है जर्मन का, जर्मन डिफेंस फोर्सेज के द्वारा। अच्छा, जो जर्मन की एयरफोर्स है वो पहले एक डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो है आपका चलाती थी, उसको लेती थी यूज़ में। तो इसी का बेस बनाकर आप कह सकते हो जो फ्रेम है ना, जो फ्रेमवर्क है, जो इसका ढांचा हम कहते हैं, इसी का फ्रेमवर्क बनाकर भारत में बिल्ड किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है। अब देखिएगा एचएल के द्वारा यहाँ पर दो डॉर्नियर, मैंने आपको बताया ना कि एक प्रकार से इसको लॉन्च किया गया है डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर, ये ऑलरेडी एचएल के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसका वेट अगर आप देखोगे टेक ऑफ वेट जो होता है वो 6200 केजी था। लेकिन एचएल का कहना है कि यहाँ पर अगर आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस कैटेगरी चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको इसका वेट 5700 केजी से नीचे होना चाहिए। और इसी की वजह से यहाँ पर इसको फर्दर मॉडिफाई किया जा रहा है, ये जो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है जिसका वेट ज़्यादा है, टेक ऑफ वेट ज़्यादा है, इसको यहाँ पर रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है नए वाले एयरक्राफ्ट में जो हिंदुस्तान 228 है, ताकि यहाँ पर इसको लेकर अप्रूवल मिल सके। और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो अपग्रेडेड वर्जन अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिजिटल कॉकपिट है वहाँ पर, मोर एक्यूरेट रीडिंग कर सकता है, प्रिसाइज जो इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो मिल जाएगा, और इमरजेंसीज के समय में जो भी पायलट को अलर्ट करना है वो सारे फीचर्स इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जहाँ तक बात है करंट डेवलपमेंट स्टेटस की, तो देखिए करेंटली यहाँ पर जो ट्रायल वगैरह है वो कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि डॉर्नियर 228 जो एयरक्राफ्ट है वो डिफेंस फोर्सेस के लिए मिल गया था, मतलब भारत के अंदर जो डिफेंस फोर्सेस है, हमारी जो एयरफोर्स है उसके लिए, उसके रिक्वायरमेंट के लिए, उसके यूज़ के लिए यहाँ पर अप्रूवल मिल गया था। और 1983 से इसका प्रोडक्शन हो रहा है भारत के अंदर, जी हाँ, कानपुर के अंदर इसका पूरा प्रोडक्शन बेस अगर आप देखोगे तो 125 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, लेकिन ये डिफेंस पर्पस के लिए 26 दिसंबर 2017 को DGCA ने क्लियर कर दिया था कि HAL का ये वाला जो एयरक्राफ्ट है नया वाला वर्जन वो सिविलियन फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वेट वगैरह कम करना है वो आपका ऑलरेडी किया गया है HAL के द्वारा। इनफैक्ट अगर आप इसका फर्स्ट ग्राउंड रन टेस्ट देखोगे तो ये 27 मई को ही कैरी आउट किया गया था, और अभी रिसेंटली 15 अगस्त को जब इंडिपेंडेंस डे चल रहा था तो यहाँ पर बाकी का जो लो स्पीड ट्रायल वगैरह है, ग्राउंड ट्रायल है, मैंने आपको बताया ना टाइप सर्टिफिकेशन लेने के लिए यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अब ये बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लिया जाएगा और बहुत ही जल्द जो हाई स्पीड ट्रायल होता है इस एयरक्राफ्ट का वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। जहाँ तक इस एयरक्राफ्ट की यूटिलिटी की बात है तो मल्टी रोल यूटिलिटी एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर बोला गया है कि VIP ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे आपने क्लाउड सीडिंग के बारे में सुना होगा, क्लाउड सीडिंग क्या है, मतलब बारिश करानी है, आर्टिफिशियल रेन कराना है, तो वो यहाँ पर इसके माध्यम से कराया जा सकता है। यहाँ पर जो अलग अलग एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं, पैरा जंपिंग हो गया, एरियल सर्विलेंस हो गया, फोटोग्राफी हो गया, कार्गो ट्रांसपोर्ट के तौर पर बहुत सारी चीज़ों के तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके मैक्सिमम स्पीड की बात करें, क्रूज स्पीड का मतलब ये होता है, जब एयरक्राफ्ट आपने देखा होगा ना कि सपोज 2 घंटे की जर्नी है एक जगह से दूसरे जगह, तो एक लेवल पर जाकर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीड वो मेंटेन करता है, तो इसको क्रूज स्पीड कहते हैं। तो ये इसका स्पीड आप देखोगे तो 428 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। अगर नॉर्मल जो आप एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करते हो ना अभी, उसकी स्पीड 800-900 इधर इतने के आसपास होती है क्रूज स्पीड, लेकिन इसका 428 किलोमीटर पर आवर क्या है। और साथ ही साथ ये जब सक्सेस हो जाएगा तो हम बाकी देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली नेपाल जैसे देशों को,
यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये पूरा वीडियो था जो अभी करंट प्रोग्रेस चल रहा है मेड इन इंडिया HAL का ये एयरक्राफ्ट। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उड़ान 4 के बारे में दो स्टेटमेंट मैंने दिए हैं, इसको ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। अच्छा, हिंदुस्तान 228 इंडियार नतून एयरक्राफ्ट आसछे, जेटा हच्छे सिविलियन एयरक्राफ्ट, जेटा इंडिया निजे प्रोड्यूस करछे অলরেডি। কিন্তু এই সিরিজের কিছু এয়ারক্রাফট সেটা বলা চলে 128টার মতো নাকি তারা অলরেডি তৈরি করেছে, সেটা শুধুমাত্র এয়ারফোর্সের জন্য বেস, কিন্তু সেটা ছিল, হ্যাঁ বডিটা জার্মান বেস, কিন্তু অলরেডি তারা তৈরি করেছে, মানে হ্যাঁ ম্যানুফ্যাকচারিং তাদের ওখানেই হয়েছে, হ্যাঁ এবং অলরেডি ডিফেন্সে এয়ারফোর্স ওটা ইউজ করছে। কিন্তু যখন এটা পাবলিকের জন্য ইউজ করতে হবে, সিভিলিয়ানের জন্য, তখন এর ওয়েটটাকে লুজ করতে হবে, কেননা রানিং পজিশনে এখন ওয়েট হচ্ছে 6200 কেজি। যখন তুমি এটাকে প্যাসেঞ্জারের জন্য ইউজ করবে, তখন তার ওয়েটটাকে 5700 মধ্যে আনতে হবে, এবং সেটার জন্য ডেভেলপমেন্ট চলছে আর কি। হ্যাঁ, একবার যদি এটা ডেভেলপমেন্ট হয়ে যায়, আমি যেটা দেখলাম যে এটা কিন্তু অনেকভাবে কাজে লাগাতে পারবে তারা, তাদের অনেক এরিয়া কিন্তু খুবই পাহাড়ি এরিয়া, যেখানে সহজে পৌঁছাতে পারে না বা সময় অনেক বেশি লাগে, ঘুরে যেতে হয়, রাস্তার সমস্যা অনেক কিছুই হতে পারে, তো অনেক 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 বেশি সময় লাগে, সেসব ক্ষেত্রে কিন্তু এইটা ইউজ করতে পারবে তারা, এবং খুব সহজে ইউজ করতে পারবে, এবং যেহেতু তাদের ওখানে তৈরি হবে সেহেতু কস্ট অবশ্যই মিনিমাইজ হবে, এবং আমার কাছে মনে হয় যে এটা তোমার এয়ার অ্যাম্বুলেন্স হিসাবেও খুবই উপকারিতা দিবে। এবং যে ক্লাউড সিডিং এবং যেটা বললো বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস যে থাকে, তার জন্য কিন্তু আসলে এই ধরনের ছোটো প্লেনই আকাশে ফ্লাই করতে হয়, তো এরকম ছোটো প্লেন যখন হবে তখন মানুষ বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করবে, তা থেকে কিন্তু এক্সট্রাভাবে আরেকটা আর্নিংয়ের অপশন তৈরি হবে। আর তারা এক্সপোর্ট করার জন্যও কিন্তু চিন্তাভাবনা করছে, তো ছোটো ছোটো আশেপাশের আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার যেসব দেশ আছে তারা অবশ্যই সেখানে এক্সপোর্টও করতে পারবে, তো সেক্ষেত্রে মনে হয় যে এটা একটা ভালো উদ্যোগ যে তারা এখন এটার দিকে এগিয়েছে, যে এটা ডেভেলপমেন্ট অগ্রসর হচ্ছে। আর আমরা যেটা হচ্ছে DGCA যে অপশনটা বুঝতে পারছিলাম না, সেটা হচ্ছে ডাইরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন, তো হিন্দুস্তান 228 কিন্তু অলরেডি ডাইরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন ওখান থেকে অনুমোদিত হয়ে গিয়েছে, এখন হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাপ্রুভাল লাগবে, যদি সেটা হয়ে যায় তখন এটা আসলে ফ্লাই করার মতো, মানে প্যাসেঞ্জার নিয়ে ফ্লাই করার মতো অবস্থায় চলে আসবে। তো যাই হোক, ওভারঅল ভিডিওটা থেকে আমরা কিন্তু অনেক কিছুই জানতে পারলাম, আর আজকে আমাদের এই ভিডিও রিঅ্যাকশনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতো এখানেই বিদায়।